वेलकम बैक। आज आप लोगों के लिए मॉइस्चराइजर लेके आई हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की डिमांड पे। काफ़ी लोगों ने मैसेजेस किए थे कि दीदी कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर बता दीजिए समर के लिए, जो स्किन काफ़ी ऑयली हो जाती है तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सके ऑयल को। तो आपको याद होगा मैंने ये एक जो सेंसी वॉश का फेस वॉश डाला था सेरल्स का, काफ़ी हद तक लोगों ने पसंद किया था और काफ़ी अच्छा ये इस पर व्यूज़ आए थे। तो आज मैं बात करने वाली थी इसी ब्रांड के, जो मुझे फ़िलहाल जो मुझे पसंद है, लेकिन मेरी ड्राई स्किन है तो आई थिंक मैं उसको भी यूज़ नहीं करती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मैंने इसको बंद कर दिया है। तो जिनकी ऑयली है, काफ़ी लोगों ने मैसेज किया ना कि उनकी ऑयली है तो वो कैसे कंट्रोल करें, तो आप लोग सेरल्स का ये सेंसी मोस्ट मॉइस्चराइज़र ले सकती हो। ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए खास तौर पर बना है, सेरल्स का है, आप देख सकती हो काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो हमारी स्किन को रिपेयर भी करते हैं प्लस मॉइस्चराइज़र करते हैं। मॉइस्चराइज़र के साथ साथ स्किन को हाइड्रेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉइस्चराइज़र कोई भी मतलब कर सकती है, कोई भी लोशन कोई भी क्रीम, लेकिन एक स्किन को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करेगा और इसकी MRP देख सकते हो आप 435 रुपीज़ इसकी जो MRP है। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है लेकिन 1% अगर यूज़ करते हैं तो कम से कम ये आपके 2 मंथ आराम से चलेगा, तो कोई बुराई नहीं है, 2 मंथ आराम से चल जाएगा। और मॉइस्चराइज़र कितना चाहिए, हल्का सा अपने को एक ड्रॉप्स, अगर किसी को ज़्यादा अगर लगाते हैं तो 2 ड्रॉप लगा लो, जिनकी स्किन ज़्यादा ऑयली रहती है वो उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ये लेके आई हूँ, आपको अच्छा लगे तो आप लोग इसे परचेज़ कर लीजिएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नाम भी अच्छे से देख लेना। MRP थोड़ी सी कॉस्टली है, एक्सपायरी डेट भी देख सकते हैं, 50 ग्राम इसकी जो पैकेजिंग आती है और इसमें एक आपको SPF 30 स्प्रे दे रखा है ना बेस्ट रिजल्ट के लिए, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है लेकिन काफ़ी अच्छा है। अगर मैं लेके आई अभी, अगर वैसे भी फिलहाल ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं 1-2 सनस्क्रीन और लगाती रहती हूँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं ला के वो दिखाऊँगी। वो थोड़ा कॉस्टली पड़ते हैं, 650 से आई थिंक 650 होगा या 700 के बीच में ही होगा उसका MRP, और काफ़ी अच्छा है। तो आप ये अभी सिर्फ ड्राई स्किन वाले मत करें, क्योंकि ड्राई स्किन मेरी है तो मैंने लगाया था तो मेरी फुल और ज़्यादा ड्राई कर दी थी, तो वो आप देख सकते हो, क्या पता आपके सूट हो जाए, नहीं हो तो क्यों पैसे वेस्ट करना। लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ ऑयली स्किन पे ये अच्छे से वर्क करेगा। तो आप लोग ये प्रोडक्ट ले सकते हो, काफ़ी हद तक आपको पसंद भी आने वाला है। और तब तक मैं मिलूँगी फिर आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और आप परचेज़ कर सकते हो। आपको शायद अमेजोन पे मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, वहाँ भी अगर वायदा भी नहीं मिल रहा हो तो आप किसी पार्लर से परचेज़ कर लेना, वहाँ 100% श्योर हूँ कि वहाँ मिल ही जाएगा ये। और काफ़ी अच्छा ब्रांड है गाइज, मुझे काफ़ी पर्सनली ये पसंद है। मैंने आपको फेस वॉश की पैकेजिंग सेम इसी टाइप की ही आने वाली है इसकी, सेम पैकेजिंग आएगी। इस पर सेंसी वॉश है तो उस पर सेंसी मोस्ट होगा, तो आप लोग ये ले सकते हैं। और अगर आपको अगर कोई और चीज़ की वीडियो चाहिए हो तो आप उसके बारे में भी मुझसे बोल सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और ये यूज़ कर लीजिए। अगर आपको मुझे इतना 100% श्योर हूँ कि ये ऑयली स्किन पे सबसे अच्छा काम करने वाला है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।